योगा को किसी धर्म से जोड़कर, मजहब से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि है, इसी पैगाम को आगे लेके जाना है। अखंड भारत हमारा बने, उसकी दिशा में आगे बढ़े। इन्हें पहचान तो जरूर गए होंगे आप, वैसे भी अपने पहनावे से ही अलग पहचान रखते हैं, तो लाखों के भीड़ में भी पहचान लिए जाते हैं। नहीं पहचाना तो फिर नाम और काम से जान लीजिए। ये डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इल्यासी हैं, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम की पहचान रखते हैं। लद्दाख के कुदरती नजारों के बीच लद्दाख ओपन फुटबॉल स्टेडियम में योग डे पर अपनी सेहत दुरुस्त करने इतनी दूर पहुंच गए थे। झक सफेद कुर्ता पैजामा, सफेद दाढ़ी, सिर पर टोपी, कंधे पर शॉल, ध्यान की मुद्रा में तेजी से सांसें ले भी रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं। योग निरोग बनाता है, ये भला कौन नहीं जानता। योग पर न किसी धर्म विशेष, न किसी जाति विशेष का एकाधिकार है, फिर भी न जाने क्यों बगैर पूछे ही मौलाना खुद धर्म वाला ही मुद्दा उठा दे रहे हैं। योगा को किसी धर्म से जोड़कर, मजहब से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। योगा फॉर ऑल, सबके लिए होता है। योगा सेहत के लिए है और हम सब मिलकर इसी तरह से एक साथ कवर करते हैं तो इससे हमारा शरीर अच्छा होता है, हमारा मन मस्तिष्क अच्छा होता है, हमारे लिए तंदुरुस्ती के लिए बहुत अच्छा है। आज यहाँ पर लद्दाख में हिमालय की सबसे बड़ी ऊंचाई चोटी पर आज हम यहाँ पर 10वां इंटरनेशनल योगा सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे लिए खुशी की बात है, बगल में ही आज श्रीनगर में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी योगा दरअसल मौलाना उमेर अहमद इल्यासी उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे थे। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं। तमाम साधु संतों और भगवा धारियों के बीच मौलाना को देखकर हर कोई हैरान था। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान इल्यासी ने कहा था, ये बदलते भारत की तस्वीर है। बदलते भारत की तस्वीर है आज का भारत, नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। मैं यहाँ पैगाम मोहब्बत लेके आया हूँ, जहाँ तक पहुँचे मेरे साथ ही आप स्वामी जी साथ में खड़े देख रहे हैं, इसी का नाम भारत है। हमारी इबादत करने के तरीके अलग ज़रूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। आओ हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें। दूसरा, हम सब भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, तो हम सबको चाहिए कि हम अपने भारत को मजबूत करें। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। दूसरी बात यह है कि आज का जो पैगाम है, आज का जो संदेश है, वो नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए है कि बहुत रंजिशें हो गई, बहुत दुश्मनी हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत राजनीति हुई। अब हम सबको मिलकर एक होकर भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है। राष्ट्र सर्वोपरि है, इसी पैगाम को आगे लेके जाना है। अखंड भारत हमारा बने, उसकी दिशा में आगे बढ़े। वैसे तो मौलाना उमेर इल्यासी राजघाट में होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन में लगातार पहुंचते हैं, बहुत प्रखर वक्ता हैं। जब कुरान के साथ गीता और बाइबल से भी उदाहरण देकर अपनी बात रखते हैं तो श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन उमेर इल्यासी की एक और पहचान है। मौलाना उमेर इल्यासी की एक खास पहचान ये है कि अपने बयान से ये देश भर में बवाल मचा चुके हैं। 22 सितंबर 2022 को जब संघ प्रमुख मोहन भागवत उमेर अहमद इल्यासी से मिलने पहुंचे थे तो मीटिंग के बाद इमाम उमेर अहमद ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था तो ये खबर जंगल की आग की तरह देश भर में उस दौरान छाई थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।